बसमिल आज झलहिजा की पहली तारीख़ है चौदह सौ उनतीस हिजरी झलहिजा का महीना जब शुरू हो जाए तो रसूल सल्ला वसलम की कुछ हदायत हैं इसके बारे में आप सलील वसम ने सही हदीस में फ़रमाया कि मामिन मामि यामिनफ़ी हब्बू अल्लाहादी लियाली वलम कि इन दस दिनों में अल्लाह को नेक अमल बहुत ज़्यादा महबूब है तो ये जो पहली तारीख़ से लेकर दस तारीख़ तक के अयाम हैं इन में कोई भी नेकी की जाए रोज़ा रखा जाए तहज्द पढ़ी जाए सदक़ा तो खैर किए जाएँ या कोई भी नेकी का भलाई का काम किया जाए तो उसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है दूसरी बात ये कि ये जो अयाम हैं इनकी कुरान मजीद में कसम भी उठाई गई है वाल फजरी वल, वल यान आशर कसम है फ़जर की और दस रातों की तो जमूर मुफसरिन इस तरफ गए हैं कि उन दस रातों से मुराद ज़ीलिजा की रातें हैं तो इनके दिन की भी फजीलत है और रात की भी फजीलत है और रसूल अल्लाह वसलम ने नाम के बारे में फ़रमाया कि जिस शख्स का इरादा हो सही हदीस है जिस शख्स का इरादा हो कुरबानी करने का तो उसको चाहिए कि इन दिनों में अपने नाखन और बाल ना काटे तो बेहतर है मस्तहब है कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है लेकिन अफज़ल ये है कि जिसने कुरबानी करनी हो तो वह पहली तारीख़ से लेकर जब तक कुरबानी ना कर ले वो अपने बाल और नाखुन ना काटे अफ़ल है ये और आ, अयाम तशरीक भी हैं इनमें नौ जिलहजा से लेकर तेरह जलहजे तक अयाम तशरीक शुरू होते हैं जिनमें तकबीरत तशरीक़ है जिसमें ज़ोर ज़ोर से अल्लाकबरल्कल्ल अकबरअल्लाकबर वाम ये पढ़ा जाता है ये भी इन्हीं अयाम से मुनसिक जो अम है उनकी फज़ीत की बात है और नौ जिल के रोज़े की एक अलग से फ़जीतलत है आरफ़ा का रोज़ा जिसे कहा जाता है तो नौ तारीख़ का रोज़ा वो आपने उसकी बहुत तरगीब दी है तो ये चंद अहकाम थे जिन दस दिनों से मुतल थे अल्लाह ताली से दुआ है कि हमें इन्याम की जो फ़जीलत है उनको हासिल करने की अल्लाह ताल हमें तोफ़ी ख़तः फ़रमाए मीना